वर्ग दशम के लिए संस्कृत व्याकरण में समास प्रकरण में इससे पहले कक्षा में मैंने बताया था कि समास के चार भेद होते हैं, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। पहला तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास जिस समास में उत्तर पद की, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, अर्थात यस्मिन समासे, यस्मिन समासे उत्तरपदम प्रधानं भवति, उत्तरपदम प्रधानं भवति, तत्र तत्पुरुषः, तत्पुरुषः समासः, तत्र तत्पुरुषः समासः भवति। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वहां तत्पुरुष समास होता है। इस समास के दो भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। पहला व्याधिकरण तत्पुरुष, दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष। व्याधिकरण तत्पुरुष, दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष। अब चलिए व्याधिकरण तत्पुरुष, व्याधिकरण तत्पुरुष इस समास के तीन भेद होते हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष के, इस समास के तीन भेद होते हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष के तीन भेद होते हैं। पहला में विभक्ति तत्पुरुष, विभक्ति तत्पुरुष। दूसरा में नये तत्पुरुष। तीसरा में उपपद तत्पुरुष। व्याधिकरण तत्पुरुष के तीन भेद होते हैं, विभक्ति तत्पुरुष, नये तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष। अब विभक्ति तत्पुरुष पहला चले इसमें, विभक्ति तत्पुरुष इस समास के अंतर्गत विभक्ति तत्पुरुष समास के अंतर्गत विभक्तियों का लोप होता है। विभक्तियों का लोप होता है इसमें
द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक छह भेद होते हैं। द्वितीय से लेकर सप्तमी तक छह भेद होते हैं, जैसे पहला द्वितीय तत्पुरुष, दूसरा तृतीय तत्पुरुष, तीसरा चतुर्थी तत्पुरुष, चौथा पंचमी तत्पुरुष, पांचवा षष्ठी तत्पुरुष, छठा सप्तमी तत्पुरुष, यानी इसके छह भेद होते हैं। विभक्ति तत्पुरुष को द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास, ये तीन समास हमारे पाठ्यक्रम में इस बार है।